दूसरे मेहमान हैं विशाल जेठवा जी। दोनों ही फिल्म और टेलीविजन के जाने माने कलाकार हैं जो रोज ही आपके घर आते हैं आपसे मिलने के लिए। हम सबके बीच ही हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ही निखरे हुए कलाकार हैं अपने अपने क्षेत्र के। आज के सुंदर विषय पर आप दोनों क्या विचार रखते हैं, आइए जानते हैं। ओम शांति। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस संस्था के साथ कुछ वक्त से जुड़ा हुआ हूं और एक चीज जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये है कि चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। और यही चेंज हमें हर वक्त अपने अंदर लाना पड़ता है टू मूव ऑन, मूव अहेड इन लाइफ। और हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चेंजेस लेकर आए। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चेंज है जो हम लोगों को अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे हम बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं और कनेक्टेड हो जाते हैं हमारे थॉट्स और वी आर एट पीस विद आवरसेल्फ्स जब हम मेडिटेट करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने भी अपनी लाइफ में काफी चेंजेस लाने की कोशिश की है जब से मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि एज एक्टर्स हम यूजली थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं और ईगो एक ऐसी चीज है जो हम सब में नहीं होनी चाहिए। एंड लाइक वी ऑल नो दैट वी शुड स्किप द ई एंड लेट इट गो। पर बहुत बार ये जानने के बाद भी इसे अपनी लाइफ में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और काफी वक्त से मैं मुर्तियां सुनता हूँ और मैं सुनता हूँ कि हमारे जो ग्रेट स्पीकर्स हैं उनकी बातें सुनता हूँ और कुछ चीजें मैं अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार नाकामयाब होता हूँ, बहुत बार कामयाब होता हूँ, बट आई थिंक दैट इज द प्रोसेस और वही प्रोसेस हम सबको अपने अंदर लाना चाहिए। तो मैं अपने ईगो की जो बात कर रहा था वो अभी कुछ वक्त पहले मैं एक शॉप में गया था और एक इंसिडेंट हुआ उससे और मुझे एकदम से कुछ बात से ठेस पहुंच गई और मेरी ईगो हर्ट हो गई और इसीलिए मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई वहां से और मैं उस दुकान से निकलकर आ गया। जब मैं घर पे आया और मैं बैठा था और अपने आप से मैं बात कर रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि इसके बाद ये सब तुमने क्यों किया। जस्ट बिकॉज यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, यू फेल्ट दैट यू वर क्वेश्चन और वॉट इज दैट, दैट इज जस्ट ईगो। एंड जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, इतने लोगों से लोगों की अच्छी बातें सुनते हैं तो आपको उससे ही तो काटना है। अगर आप उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं तो फायदा क्या है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने सोचा और जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू किल माई ईगो एंड फॉर ऑल द टॉक्स जो मैंने सुनी थी ब्रह्म कुमारी के स्पीकर्स के थ्रू और बुढ़ियों के थ्रू, एंड आई सेड टू माय सेल्फ कि सिद्धार्थ तू ये सब सुन रहा है तो उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सो दैट्स रियली नॉट वर्थ एनीथिंग। सिर्फ अच्छी बातें सुनना या उनके बारे में जानना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसे प्रैक्टिकल यूज में लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने घर से निकला, फिर से उस शॉप में गया और मैंने उस आदमी से माफी मांगी, उससे सॉरी कहा और एंड आई लेट इट गो। एंड मैं सिर्फ इसीलिए गया ताकि मैं अपनी ईगो को मार सकूं। और दिस वॉज अ बिट ऑफ प्रैक्टिस दैट आई परफॉर्म्ड जो बातें मैंने सुनी उससे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने, ये सारी चीजें आप ही प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। हम सब सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि ये दुनिया एक अच्छी जगह बने और चीजें अच्छे से हों और सब अच्छे से रहें और सब एक दूसरे के साथ प्यार में रहें और हम लाना चाहते हैं बहुत बड़े चेंजेस दुनिया में, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करते। सो टू ब्रिंग द चेंज वी ऑल नीड टू बी द चेंज। एंड आई एम श्योर आज इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद और आप ये कंटिन्यू रखेंगे एंड यू टू विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज बाय चेंजिंग योरसेल्फ, सो लेट्स चेंज फॉर द गुड। ओम शांति। एक दूसरे को बढ़ावा दो और चढ़ावा लो। पीस आउट।